सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन काना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रोचक सवाल। एक ये तरह से एक सवाल भी हो सकता है और एक टॉन्ट भी हो सकता है कि रिसेंटली मुझे एक कमेंट मिला था। जब मैं कभी कभी कमेंट रीड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कुछ ऐसे कमेंट को देखता रहता हूँ कि लोग क्या इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो उस एक ऐसी प्रतिक्रिया मुझे मिली जो मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने तो एक टॉन्ट के माध्यम से, मतलब मेरी खिंचाई करने के माध्यम से उन्होंने कहा था कि इतना सारा जो ज्ञान आप पेलते रहते हो यहाँ पे स्पिरिचुअली, इतनी सारी बातें बताते रहते हो कि आपको ये ज्ञान कहाँ से आया, तो क्या आपको डाउनलोड हुआ है या किसी ने फ़ोन करके बोला है। तो मुझे हंसी भी आई और मुझे, देखिए हंसी के सिवा मैं उन पर गुस्सा तो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी अवेकनिंग आज इसी प्रकार की है और इतनी ही है। तो बिल्कुल अपने उसमें बिल्कुल सही है, उनका क्वेश्चन भी सही है और उनकी जितनी समझ है उस समझ से उतना ज़्यादा ही अच्छा पूछ रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन मैं आज उनका जवाब देना चाहता हूँ, मेरे पास में वक्त है। तो ये सारा ज्ञान कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसके साथ साथ में उन्होंने एक और शख्स थे, उन्होंने पूछा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि जब हमारे किसी अपने की स्पिरिट या आत्मा हमारे आसपास रहेगी। तो मैं इसको भी डिटेलाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं आंसर देता हूं उन शख्स का जिन्होंने पूछा था कि इतनी जो बातें मैं बताता हूं ये कहां से आई हैं, इसका सोर्स क्या है। तो देखिए, जैसे उन्होंने एक वर्ड पार्टिकुलर उस पर खींचा था, यानी कि एक टॉन्ट के रूप में, कि क्या ये बातें आपको किसी ने डाउनलोड करके दी हैं क्या, या आपको किसी से कहीं से फ़ोन आया था, या भगवान के घर आप हो गए हो, या भगवान ने आपको सीधा सा फ़ोन करके बताया है, या डाउनलोड करके एक फाइल दे दी है। तो उनका एक तरह से टॉन्ट था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रोमांचक लगा। तो मैं इस पर एक वीडियो पहले भी बनाना चाहता था लेकिन मेरे पास में इतना वक्त नहीं था, काफ़ी बिजी चल रहा था उस समय। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब जवाब देना चाहिए और ये सही वक्त है जवाब देने के लिए। तो मैं आपको, जो भी थे, मैं आपका नाम रिवील नहीं कर रहा क्योंकि लोग शायद आपको गलत समझेंगे, लेकिन मेरे लिए आप भी इतने इम्पोर्टेंट हैं जितने दूसरे लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस आंसर को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप स्टिल इसी बारे में सोचते हैं कि मुझे ये जानकारी कहाँ से आई। तो जैसा आपने एक वर्ड का इसमें यूज़ किया था डाउनलोड, तो जी बिल्कुल, को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो एंजल्स होते हैं, जो हमारे हर एक स्पिरिट के, आपके अंदर भी स्पिरिट है, मेरे अंदर भी है, दूसरे लोगों के पास में भी, तो हर एक स्पिरिट के लिए एक एंजल्स होते हैं जो एंजल्स कंबाइंड होकर बहुत सारे स्पिरिट के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन जो स्पिरिट गाइड रहते हैं वो हर एक पार्टिकुलर सोल का अलग अलग रहता है, जो मेरा भी है, आपका भी, सबका भी है। तो स्पिरिट गाइड जो रहते हैं उसमें वो हमारी मदद करते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और वो ये जानते हैं कि जो उनके शिष्य हैं, देखिए स्पिरिट गाइड के लिए मैं उनसे छोटा हूँ या उनके शिष्य के रूप में, वो मेरे गुरु हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो वो जानते हैं कि मेरा शिष्य मेरी बात को किस तरह समझेगा। कोई क्या होता है कि वो दूसरे तरह से समझ जाता है कि उनको कुछ दिखा दिया, कोई नंबर के हिसाब से समझ जाता है कि उनको एक 111 का नंबर दिखाई दिया, 222 का नंबर दिखाई दिया, इस तरह से वो समझ सकते हैं और उसको भाव लगा के उसमें वो इस तरह से उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये मैसेज हो सकता है। लेकिन कुछ शिष्य, कुछ स्पिरिट गाइड के इस तरह के भी होते हैं, उनको सच में इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करा दी जाती है। अब ये कैसे होती है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। देखिए, अभी आप कुछ सोच रहे हो, राइट, मैंने जो भी बातें आज आपको बताता हूँ आप कहीं से भी किसी बुक में भी देख लेना, ये सेम नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने बुक से ली ही नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, उनसे मैंने सीखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ से मैंने सीखा। लेकिन ये सीखते समय ये सारी बातें यस डाउनलोड हुई हैं, मेरे थॉट प्रोसेस में डाली गई हैं, मैंने प्रैक्टिकली जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखा है उसके हिसाब से भी मैंने देखा है। और ये कनेक्शन बनाना जब हम शुरू में होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, जब आप इसके यूज टू होते हो तो इससे ज़्यादा आसान भी कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप ये कनेक्शन बनाओ। लेकिन यही है कि ये विडम्बना अगर आप खुद ख़त्म करोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि मुझे सिखा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, नहीं होता। और ये ओपन भी उसी का होता है जिसके एंजल्स उनको अलाउ करते हैं, उनके स्पिरिट गाइड भी उनको अलाउ करते हैं। सपोज करो ये सब कुछ करने के बाद में मैं कितने लोगों के पास में पहुँच पा रहा हूँ, उसकी एक वजह है। आप लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि उसकी भी एक वजह है, आप एक दूसरे रूप में अपने आपकी लाइफ साइकिल को बना के लेके आए हो और मैं कितने टाइम से, कितने जन्मों से इस साइकिल को इसी रूप में बना के चल रहा हूँ। तो एक कुछ चीज़ें इसी हिसाब से दी जाती हैं कि ये आगे आने वाले समय में क्या करने वाला है।
तो इसी हिसाब से मेरी जो मनोदशा रहती है वो डाउनलोडिंग के हिसाब से चलती है। जब एंजल हमें मैसेज भेजते हैं तो इस हिसाब से भेजते हैं कि अभी मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन सोच रहा हूँ तो आंसर मेरे पे खट डाल देंगे और एक थॉट आएगा वो आंसर बन जाएगा, क्योंकि हर एक एंजल्स के जो शिष्य रहते हैं वो इस हिसाब से कि जिस हिसाब से वो कैच कर सकते हैं। कुछ लोगों को फोटोज दिखाई देते हैं, विविध स्मृतियाँ दिखाई देती हैं, कुछ ऐसा प्लेस दिखाई देगा, कुछ आगे एक चिड़िया बटरफ्लाई दिखाई देगी, किसी को नंबर दिखाई देंगे, कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैटर यह है कि आप किस तरह से समझ जाओगे, तो स्पिरिट गाइड एंजल्स आपके उसी हिसाब से आपको डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं और ये हैबिट में आ जाता है। तो ये तो था आपके आंसर का। और सर मैं आपको आगे भी इतना बता देना चाहता हूँ कि आपसे मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिन में डेली सुबह को 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइएगा और शाम में डेली 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठ जाइएगा और किसी भी जो घटिया से घटिया अच्छे से अच्छी चीज़ है उसको सोच लीजिएगा और सिर्फ 30 डेज के लिए ऐसा कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट सुबह में, 5 मिनट शाम में, सुबह में सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज जाने से बाद में, सिर्फ इतना करने के बाद में, यानी कि सनसेट के बाद में, सिर्फ इतना करने के बाद में 30 डेज के बाद आप मुझसे मिलिएगा। जब आपको खुद से मैसेज आने लगेंगे, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें डालने लग जाएंगे नेचर, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो ऐसा हो रहा, वो बंदा सही बोलता था और सही, सच में सही था। आप खुद इस तरह से हो जाओगे और आप तो बिगनर हो, आपकी बिल्कुल भी अवेकनिंग नहीं है, दैट्स वाई यू आर आस्किंग सच क्वेश्चन। और मुझे इसमें कुछ भी फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी इरिटेशन नहीं आई कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, इट्स ओके, इट्स वेरी फाइन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इसको रियलाइज करो, और इसको रियलाइज कैसे करो, इसको एक्सपीरियंस करके इसको रियलाइज करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी को जज ना कर सको। क्योंकि जब हम जज करते हैं तो हम बहुत अपना ऑरा का दायरा बहुत छोटा कर लेते हैं, हम हमेशा निगेटिविटी में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम जज करना छोड़ते हैं, हर किसी को उसके हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो उसकी एक कहानी अलग होती है। तब आपका नेचर भी और नेचर की जितनी पावर्स यहाँ पर हैं, जितने भी उनके छोटे चेले चपाटे हैं या चल जो भी स्पिरिट अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, चाहे वो एंजल्स हो, स्पिरिट गाइड हो, हर लोग, हर व्यक्ति आपकी मदद करने में जुट जाता है। और जो चीज़ आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते वो भी इस एंगल पर आके सब चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ डू दैट, खुद से रियलाइज कीजिए, खुद से एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। सिर्फ 30 डेज का बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने चेंज हो जाओगे, आपका पूरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन ये करना होता है सर, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट लिखना बहुत ईजी है, हमारे पास में पूरे दिन का इंटरनेट रहता है तो हम बहुत ईजिली लिख सकते। लेकिन स्टिल मैं वही चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी कुछ कीजिए सर, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकते हो तो आपको खुद भी एक रियलाइजेशन आएगा और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है सर जो भी आप थे, जिन्होंने भी आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, मैं इसमें एक छोटा सा बस जो आपने डाउनलोडिंग बट बोला था उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत कुछ बता सकता हूँ, पूरी रात निकल जाएगी, रात के अभी 3 बज रहे हैं तो मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ आपको कि बहुत रास्ते हैं, डाउनलोडिंग भी बात होती हैं, और आप जो बोलते हैं ना अपलोड, डाउनलोडिंग अपलोड, आपने जो टेक्नोलॉजी के बर्ड उठा कर रखे हुए हैं तो अपलोड भी होता है, नो डाउट। जब आप वाइब्रेशंस भेजते हो किसी के लिए तो अपलोड ही हो रहा होता है, उस सोल के लिए या जिस शख्स के लिए आप भेज रहे हो। तो सर ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बाद में आई है, सेंस आप देखो, सेंस वहाँ पर पहुँचता है। तो आई होप कि आपको मेरा आंसर अच्छा लगा होगा, कि स्टिल आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ नीचे फिर से लिख दीजिएगा, अगर मुझे वक्त मिला बिल्कुल तो बिल्कुल मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहता हूँ इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों के डाउट कम हो जाएंगे और सभी लोगों को ये मदद करेगी जानने के लिए, एक बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी कैसे वर्कआउट करती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ में जैसा आप हमें सपोर्ट करते हैं इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।